व्हाट्सअप दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपके साथ आप देख रहे हैं गुस्ताख इंडियन। और मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं कि बार बार कहना पड़ेगा आपको, है आप तो घर के हो यार, सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, ट्विटर पे कल शाम से एक अरेस्ट कोहली नाम का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। लोग इस हैशटैग के लिए भर भर के ट्वीट कर रहे हैं और कोहली को जेल में भेजने की मांग कर रहे हैं। बताइए कोई तू फेस बात कर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि घर में मेहमान और दिमाग में शैतान कभी भी आ सकते, वरना सोचिए इस हैशटैग का कोई लॉजिक है? हैशटैग अरेस्ट कोहली है। इस हैशटैग का पोस्टमार्टम करने से पहले मैं आपको पूरा किस्सा बता देता हूं जितने लोगों को नहीं पता है। तो क्यों आखिर हैशटैग अरेस्ट कोहली ट्रेंड कर रहा है? दरअसल तमिलनाडु में विराट कोहली और रोहित शर्मा के दो फैंस के बीच में लड़ाई हो गई, और इस लड़ाई में विराट कोहली का जो फैन था थोड़ा ज्यादा ताकतवर था, थोड़ा ज्यादा पिए हुए था, उसने रोहित शर्मा की हत्या कर दी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, हत्या कर दी। दरअसल बात तमिलनाडु की है, जहां विघ्नेश और धर्मराज नाम के दो दोस्त कोहली और रोहित के लिए लड़ गए। विघ्नेश ने कहा कि कोहली और आरसीबी दोनों ही बकवास है, जिस पर धर्मराज को गुस्सा आ गया। उसने शराब के नशे में विघ्नेश के सर पे, दोस्तों सर पे बैट मारा और उसकी वहीं के वहीं डेथ। अब बताइए इस बात पे अरेस्ट कोहली ट्रेंड कराने का कोई तुक है? जब सपोर्टर्स का दिमाग इतना धनी होगा तो बेचारा कोहली करेगा तो करेगा क्या, बोलेगा तो बोलेगा क्या? दोस्तों एक बात याद रखिए, जब जिंदगी में कोई परेशानी आती है ना, तो उस वक्त नेता, क्रिकेटर या अभिनेता काम नहीं आते, उस वक्त सिर्फ दोस्त काम आते। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि विराट कोहली ने खुद एक प्रेजेंटेशन में बोला था कि रोहित शर्मा के वो सबसे बड़े फैन हैं। और आज की डेट में एक्टिव प्लेयर्स की सूची देखें तो विराट कोहली के नाम से इंडिया टीम को जाना जाता है मेरे भाई। खैर, फैंस का लड़ना क्रिकेटर्स को उतना ही दुख देता है जितना 13वीं पर भोज में आने वाले पंडित को दुख होता है। बाकी हम तो देखिए आपको समझा ही सकते हैं, सिर्फ दिमाग में घुस के बैठ तो सकते नहीं है। तो अपनी समझदारी के साथ लड़िए। अगर किसी से भी बहस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लड़ाई कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए हो, चाहे वो किसी सलमान शाहरुख वाली जो गैंग होती है उसके लिए हो, या फिर किसी क्रिकेटर के लिए, आप इतना सोच लीजिए कि आप सिर्फ अपना पॉइंट रखिए, किसी से लड़ाई करोगे तो भाई साहब नुकसान आपको और हमको होगा, उस क्रिकेटर नेता या फिर अभिनेता को नहीं होने वाला। अब मैं आपको बोलूंगा, इन फालतू की बातों पे ध्यान मत लगाइए। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए अभी हमारा जो चैनल है वो नया नया है, तो प्लीज इसको इसकी मंजिल तक पहुंचा दीजिए, इसको थोड़े से सब्सक्राइबर दिलवा दीजिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब का बटन जो नीचे आ रहा होगा उसको क्लिक कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप जितना लाइक करेंगे ना, तो उतने ही लोगों तक ये पहुंच जाएगा, जिससे हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक्टिव रहे, आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट निकाल के लेके आते रहे। थैंक यू सो मच। गुस्सा गेमिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है अभिषेक, आपसे आगे चलता हूँ।